आप देख रहे हैं खबर हलवा। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया और भाजपा एवं आरएसएस पर निशाना भी साधा और कहा कि पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सख्त खिलाफ थे और आज भाजपा के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बहुत खुशी होती है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भाजपा का अपना कोई स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष नहीं है। पाकिस्तान की कराची रावलपिंडी तेजगांव एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई है जिसके कारण 65 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 30 लोग घायल हैं। अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने लाहौर में बढ़ते प्रदूषण के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्विटर पर जलवायु परिवर्तन मंत्री के हवाले से कहा कि लाहौर में प्रदूषण का स्तर भारत के खराब पर्यावरण और खेतों में पराली जलाने के कारण हो रहा है। विवादित परिसर स्थित श्री राम जन्मभूमि में पॉलिथिन में प्रसाद ले जाने पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। यह कदम दीपावली के दिन रामलला का दर्शन करने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद उठाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मामले में इस समय प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को निर्देश देते हुए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने के लिए कहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद गुरदास दास गुप्ता का गुरुवार को निधन हो गया है। गुरदास 83 वर्ष के थे। अपने राजनीतिक जीवन काल में वह 3 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रवेश द्वार थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे रद्द कर उस रास्ते को भी बंद कर दिया है। लखनऊ में गुरुवार सुबह तड़के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर एक तेज रफ्तार बस सड़क के किनारे सो रहे लोगों पर चढ़ गई। इस हादसे में 2 बच्चियों समेत एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा दिवाली के 4 दिन बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति बनी हुई है। आज सुबह 6:40 लोधी रोड पर लगे प्रदूषण मॉनिटरिंग ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार वहां पीएम 2.5 का स्तर 500 और पीएम 10 का स्तर 343 दर्ज किया गया। बांग्लादेश में एक विपक्षी नेता को 3 साल जेल की सजा दी गई है क्योंकि उसने प्रधानमंत्री शेख हसीना को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दे डाली थी। नेता ने यह धमकी पिछले साल एक कार्यक्रम के दौरान दी थी। चिंता गोम की अदालत ने गियासुद्दीन कादर चौधरी को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर और हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।